हेलो फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस द मेडिकल लॉ, और यू कैन से लॉ रिलेटेड विद आवर मेडिकल प्रोफेशंस, दैट इज कॉल्ड एज अ मेडिकल लॉ. नॉर्मली जो लॉ रिलेटेड विद आवर मेडिकल प्रोफेशंस और मेडिकल डिग्री और यू कैन से मेडिकल क्वालिफिकेशन, वो हम नॉर्मली मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस में डिस्कस करते हैं. ज्यूरिस मतलब होता है लॉ और प्रूडेंस मतलब होता है नॉलेज. ओके, तो मेडिकल के एस्पेक्ट में लॉ का नॉलेज जो हमें देता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस. तो मेडिकल ज्यूरिसप्रूडेंस इज स्टडी ऑफ लॉ इन रिलेशन टू द मेडिसिन और मेडिकल प्रैक्टिसेस, जनरल प्रैक्टिसेस, मेडिकल क्वालिफिकेशन. In other words, it deals with the legal aspect of the medicine, such as legal rights, privileges, duties and obligation of medical practitioners. So first of all, let me aware that ki medical law matlab kya hota hai. Medical law matlab law hamare medical ke related kya kya hai. Aisa nahi ki law ek public ko follow karna rehta hai, ek medical practitioners ko bhi, ya fir aisa nahi ki I got my degree and now I can roaming anywhere or you can say whatever I want to do I can do. Aisa nahi hota. Everyone you can say a person of India have to follow a kind of medical law, Indian law. तो इंडिया में कौन कौन से लॉ हमारे मेडिकल रिलेटेड जो बने हुए हैं, दैट वी शुड नो एज अ मेडिको. ओके, ये हमें पता होना चाहिए, बिकॉज मेडिकल एथिक्स में हम डिस्कस करेंगे कि कभी, मतलब इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, फर्दर क्लासेज में हम डिस्कस करेंगे कि मेडिकल एथिक्स में रूल्स एंड रेगुलेशन, ओके, या फिर जो राइट्स होते हैं हमारे मेडिकल जो प्रैक्टिस होते हैं उनके राइट्स, उनके यू कैन से ड्यूटीज़ क्या क्या है, और देयर नेग्लिजेंस किस किस वे में हो सकता है, मतलब अगर ये नेग्लिजेंस करेंगे तो कौन सा उनको मतलब इम्पैक्ट कैसा होगा. तो पर्टिकुलरली मेडिकल एथिक्स ये डील विद आवर मेडिकल प्रैक्टिसेस, होल मेडिकल प्रैक्टिसेस में जितने भी हम यू कैन से गलतियां करेंगे, वो गलतियां ना हो उसको प्रॉपरली अवेयर करने के लिए हमारा मेडिकल एथिक्स होता है. मेडिकल लॉ अल्टीमेटली जो हमने गलतियाँ की हैं, वो गलतियाँ हमारे किस तरीके से इम्पैक्ट हो सकती हैं, या फिर ड्यूरिंग द करियर कौन हमारे बोर्ड, कौन सी बोर्ड हमारी यू कैन से कंट्रोल करती है मेडिकल क्वालिफिकेशन को, मेडिकल प्रैक्टिसेस, जो एक बार अगर मेडिकल रजिस्टर्ड नंबर अगर सपोज मिल जाता है आफ्टर वेस्टिंग और द होल करियर, और यू कैन से आफ्टर 5.5 ईयर वेस्ट करने के बाद, और यू कैन से स्टडी करने के बाद, सपोज वी गॉट आवर मेडिकल रजिस्टर्ड नंबर, सो वो विथहेल्ड भी हो सकता है, वो कैंसिल भी हो सकता है इफ़ यू डिसओबे द लॉ, और यू कैन से इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ नेग्लिजेंस. ओके, सो दैट्स वाई मेडिकल लॉ का नॉलेज हमें पता होना चाहिए, ताकि हम कोई भी गलती ना कर सकें. दे शुड बी फैमिलियर विद द वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर इन फोर्स एंड विच हैव बीन इनेक्टेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एज वेल एज पजिस द वर्किंग नॉलेज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ स्टेचुरी बॉडी एंड मेडिकल काउंसिल. तो मेडिकल काउंसिल में इंडियन मेडिकल काउंसिल और हमारे स्टेट मेडिकल काउंसिल, ऐसे दो मेडिकल काउंसिल आते हैं. स्टेट मेडिकल काउंसिल हर एक स्टेट की अलग अलग होती है, कैपिटल ऑफ स्टेट में वहाँ पे रहता है. सपोज आई एम अ रेसिडेंट ऑफ यूके से महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, तो मुंबई में स्टेट मेडिकल काउंसिल वहाँ पे लोकेटेड होगी, जैसे कि इंडियन मेडिकल काउंसिल और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. ओके, जैसे कि कैपिटल ऑफ कंट्री में हमारा पर्टिकुलरली इंडियन मेडिकल काउंसिल लोकेटेड है, इन दैट सेम में कैपिटल ऑफ स्टेट में हमारा स्टेट मेडिकल काउंसिल लोकेटेड होता है. ओके, तो महाराष्ट्र का स्टेट मेडिकल काउंसिल मुंबई में लोकेटेड होगा. तो पूरे महाराष्ट्र में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं ना, रिगार्डलेस ऑफ कोई भी डिग्री हो, MBBS, BMS, BHMS, BUMS, BNMS, ओके, कोई भी डिग्री हो, और BSN नर्सिंग है, या फिर यू कैन से फिजियोथेरेपी है, या फिर यू कैन से ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, वॉट एवर सो, जितने भी मेडिकल रिलेटेड जो डिग्रीज हैं उनका जो कंट्रोल करेगा वो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया स्टेट मेडिकल काउंसिल कंट्रोल करती है. ओके, और सभी स्टेट मेडिकल काउंसिल को इंडियन मेडिकल ऑफ काउंसिल ये रेगुलेट करती है और कैसे कंट्रोल करती है. सपोज मैंने कोई गलती किया एंड सपोज माय रजिस्टर नंबर वाज विथहेल्ड और कैंसल्ड, और मुझे यू कैन से अपील करना है, तो आई विल डायरेक्टली गो टू द इंडियन मेडिकल काउंसिल और कैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. तो शी विल सॉरी द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया विल चेक द होल केस. ओके, एंड अल्टीमेटली अगर जो फॉल्ट, अगर यू कैन से अगर इतना बड़ा फॉल्ट नहीं रहेगा जिसकी वजह से मेडिकल स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र इज़ यू कैन से विथहेल्डिंग माय रजिस्ट्रेशन नंबर, तो डेफिनेटली ही विल एडवाइज टू यू कैन से अ काइंड ऑफ स्टेट मेडिकल काउंसिल कि नाउ यू कैन गिव योर रजिस्ट्रेशन नंबर टू दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट और मेडिकल प्रैक्टिसेस. तो डेफिनेटली इंडियन मेडिकल काउंसिल इज कंट्रोलिंग टू द होल स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. ओके, सो अलग अलग मेंबर्स वगैरह इसमें बनाए जाते हैं, so that is not important, but definitely what the function of Indian Medical Council, that we should know at least. The function of Indian Medical Council, medical register, dekhiye, the Indian Medical Council maintain a register. Okay, us register mein jitne bhi states ke jo candidate the na, wo jo candidate medical practices abhi ho chuke hain, unka pura naam, har ek state ka naam is Indian Medical Council mein bhi registered hota hai.
The register contains all the name, addresses and qualification of all medical practices who have registered themselves with any state medical council. Okay. When a medical graduate with a recognized medical qualification registers himself with any state medical council after paying the prescribed fees, then notification is sent to the Indian Medical Council of India. Okay. And his name gets registered in the Indian Medical Registration also. तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी स्टेट से बिलोंग्स करते हो, आप कोई भी स्टेट में आपने क्वालिफिकेशन किया, उस स्टेट में आपने क्वालिफिकेशन करने के बाद आपने एक रजिस्टर नंबर आपने गेन किया बाय योर स्टेट रेस्पेक्टिव स्टेट, स्टेट में रजिस्टर नंबर मिल जाने के बाद स्टेट के रजिस्टर में आपका नाम रहेगा ही रहेगा. अलॉन्ग विद दैट स्टेट का जो रजिस्ट्रार होगा ना, वो अल्टीमेटली वो रजिस्ट्रार स्टेट मेडिकल काउंसिल का जो रजिस्ट्रार होगा, दे विल प्रोवाइड यू कैन से दिस होल यू कैन से अ काइंड ऑफ जितने भी मेडिकल जो प्रैक्टिसेस हैं या फिर जिनको मेडिकल रजिस्टर नंबर जो अलॉट हुआ है या फिर कौन कौन से डिग्रियाँ इनके पास हैं, ये पूरा नॉलेज इंडियन मेडिकल काउंसिल का एक रजिस्टर होती है या फिर एक साइट होती है, वहाँ पे वो होता है. ओके. तो अलॉन्ग विद दैट स्टेट मेडिकल काउंसिल के पास जो हमारी डाटा है जिस स्टेट में हम हैं, उसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट जो हमारे जो डिटेल्स हैं, दैट इज ऑल्सो हैविंग टू द कैन से अकाउंट काइंड ऑफ इंडियन मेडिकल काउंसिल एज वेल. Similarly, if the name of medical practice is erased from a state medical register for any reason, it is automatically deleted from the Indian Medical Register also. Medical education, देखिए, the Indian Medical Council regulates the standards of the medical education. It appoints a committee for both undergraduate and postgraduate education के लिए committee एक form करती है. And ultimately, the respective committee appoints inspector to visit the various institution. The purpose of such visit to assess the facilities provided by the institutions. तो institute proper medical जो institute है, proper medical initiatives जो हैं, proper अपना you can say work कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका follow करने के लिए, checking करने के लिए Indian Medical Council committee बनाती है. दो committee prepare करती है, एक UG और एक PG. UG के लिए further वहाँ पर committee वगैरह बनता है और ultimately respective institute में वो जाकर वो पूरे उनको ऑब्जर्व करते हैं. ओके. दे आर इंस्पेक्टिंग हाउ द स्टडीज आर गोइंग ऑन. द पर्पज जैसे मैंने आपको बताया, इंस्पेक्टर्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू विजिट दिस इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इन ऑर्डर टू एसेस द स्टैंडर्ड ऑफ सच एग्जामिनेशन. ओके. नेक्स्ट पेज. ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट मेड बाय द इंस्पेक्टर, डेफिनेटली द काउंसिल रिकमेंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्निशन और डी रिकग्निशन ऑफ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. तो अगर कोई मिसबिहेव होता है अगर कोई इंस्टीट्यूट का, तो डेफिनेटली दिस इंस्पेक्टर जिनको अलाउड किया है फॉर दिस यू कैन से इंस्पेक्शन पर्पस, एक पूरे हर एक इंस्टीट्यूट को इंस्पेक्ट करने के लिए, डेफिनेटली वो ऑर्डर देंगे मेडिकल काउंसिल में, इंस्पेक्टर आके इन्फॉर्म करेगा और डेफिनेटली दिस इंडियन काउंसिल ऑफ यू कैन से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी जो इंस्टीट्यूट होगा उसको यू कैन से विथहेल्ड करने के लिए या फिर यू कैन से देखिए रिकग्निशन और डी रिकग्निशन उनको रखना है इंस्टीट्यूट को या फिर बंद करना है, ये सभी वो कंट्रोल करते हैं. डिग्रीज आर रिकग्नाइज ओनली टेम्पररली एंड देखिए गाइडलाइन आर गिवन ऑन द वे एंड मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ रिकग्निशन सबक्यूनली. द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल इज मैंडेटरी फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्ट आदर बाय रिकग्नाइजिंग और डी रिकग्नाइजिंग एज ए इंस्टीट्यूट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे यू कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को पहले पूछना पड़ता है एंड देन ही कैन डिसाइडेड टू वेदर द इंस्टीट्यूट विल बी और नॉट. ओके. रिकग्निशन ऑफ फॉरेन मेडिकल क्वालिफिकेशन, देखिए तीन वे में शेड्यूल किया रहता है. फर्स्ट शेड्यूल की कंटेन अ लिस्ट ऑफ मेडिकल डिग्रीज ऑफर्ड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया विच आर रिकग्नाइज बाय द काउंसिल. काउंसिल हर एक स्टेट की अल्टीमेटली क्या क्या हर एक यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से डिग्रियाँ हैं, ओके, कौन कौन से डिग्रीज हैं, वो पूरे इनलिस्ट करती है और इनलिस्ट करने के बाद इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पूरा एक फर्स्ट शेड्यूल बनता है. सेकेंड शेड्यूल में क्या बनता है, कंटेन अ लिस्ट ऑफ मेडिकल डिग्रीज ऑफर बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आउटसाइड ऑफ इंडिया, ओके, विच आर रिकग्नाइज बाय द काउंसिल. तो सेकेंड शेड्यूल में मेंशन होता है. थर्ड शेड्यूल में जो इंस्टीट्यूट जो बच गए थे उनको हम पार्ट वन में रखते हैं ऑफ इंडिया, पार्ट टू में जो इंस्टीट्यूट बच गए थे ऑफ यू कैन से फॉरेन या फिर अदर देन इंडिया उनको हम पार्ट टू में रखते हैं. तो थ्री शेड्यूल रहते हैं, हर एक यूनिवर्सिटीज़ को कौन कौन से डिग्रियाँ कौन कौन से डिग्रीज है, कौन कौन से यू कैन से क्वालिफिकेशन है, ओके, दैट आर मेंशन इन आवर फर्स्ट शेड्यूल, सेकेंड शेड्यूल एंड थर्ड शेड्यूल. दिस डिग्री में बी रिकग्नाइज वेन इंडियन सिटीजन ऑप्टेंडेड. आपने देखा भी होगा कि ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग वगैरह हर एक
का जो नॉलेज होता है, और सॉरी हर एक का जो हर एक यूनिवर्सिटीज़ का क्या क्या डिग्रीज है, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, और तो पूरा जो नॉलेज होता है ना इस पर्टिकुलर साइट्स पे रहता है, इंडियन मेडिकल काउंसिल और ये कैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया पे साइट्स में रहता है। बिकॉज सभी पूरे इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उस यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से डिग्रीज हैं, ये यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है, इस यूनिवर्सिटी में कितने सीट हैं, ओके कौन कौन से ये यूनिवर्सिटी कहाँ लोकेटेड है, अलॉन्ग विद दैट कितने सीट हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स पे स्टडी करते हैं, उन ये सभी का नॉलेज अल्टीमेटली इंडियन मेडिकल काउंसिल के पास रहता है और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास रहता है। अगर सपोज किसी मेडिकल प्रैक्टिसेस को अगर कोई अपील करना है, वो डायरेक्टली अपील कर सकता है IMC को, यानी कि इंडियन मेडिकल काउंसिल को। स्टेट मेडिकल काउंसिल अगर सपोज कोई फॉल्टी अगर करता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट मेडिकल प्रैक्टिसेस, तो अल्टीमेटली दैट मेडिकल प्रैक्टिसेस कैन यू कैन से हायर टू द यू कैन से इंडियन मेडिकल काउंसिल एज वेल। इफ एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस हु हैज बीन पेनालाइज फॉर एनी स्टेट मेडिकल काउंसिल डिजायर टू अपील अगेंस्ट सच पनिशमेंट, ही कैन मेक अ रिप्रेजेंटेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विच विल सब्सिक्वेंटली कंसल्ट द इंडियन मेडिकल काउंसिल। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करने के बाद डेफिनेटली इंडियन मेडिकल काउंसिल आपके कॉज को क्या करेगा, सॉल्व कर देगा। देन ये देखिए, द IMC और इंडियन मेडिकल काउंसिल विल एग्जामाइन द फैक्ट ऑफ द केस एंड दे फर्निश इट इट्स रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विच विल बी बाइंडिंग ऑन द अपीलिंग पार्टी एज वेल एज द स्टेट मेडिकल काउंसिल कंसर्न। तो अगर इंडियन मेडिकल काउंसिल और काउंसिल ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अगर उसको सॉल्व नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली वो सेंट्रल गवर्नमेंट को वो हैंड ओवर कर देते हैं। डिसिप्लिनरी कंट्रोल देखिए, द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्सरसाइज डिसिप्लिनरी कंट्रोल ओवर द मेंबर ऑफ द मेडिकल प्रोफेशंस। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि जितने भी कंट्रोल्स रेगुलेशंस हैं हमारे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कंट्रोल करती है, हर एक इंडिविजुअली जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है हर एक स्टेट के लिए कंट्रोल करती है, एंड अलॉन्ग विद दैट जितने भी स्टेट्स हैं वो स्टेट मेडिकल काउंसिल को कंट्रोल करने वाला काम जो हमारा है ये इंडियन मेडिकल काउंसिल कंट्रोल करता है। द काउंसिल प्रिस्क्राइब मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोफेशंस कंडक्ट एथिक्स एंड एटिक्वेट वगैरह, इट इश्यूज अ वार्निंग नोटिस पीरियडिकली विच इज अ लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूटिंग इनफेमस कंडक्ट, ओके प्रोफेशंस मिसकंडक्ट, हाउ एवर द लिस्ट इज नॉट कम्प्लीट वन एंड एनी अदर ऑफेंसेज विच इज कंसिडर्ड, तो वो कौन कौन से ऑफेंसेज है उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगा, डोंट वरी। अगर कोई भी ऑफेंस अगर मेडिकल प्रैक्टिसेस करता है तो डेफिनेटली इनका पूरा नॉलेज और यू कैन से इनका पूरा इनलिस्टिंग ये ऑलरेडी मेडिकल काउंसिल के पास रहता है, और वो अगेन एंड अगेन वॉर्न करते रहते हैं उस पर्टिकुलर मेडिकल प्रैक्टिसेस की, आप अगर ऐसा करते रहोगे तो डेफिनेटली आपका जो रजिस्टर नंबर है वो वितरण हो सकता है, फिर कैंसिल भी हो सकता है। बट इफ़ यू आर नॉट इफ दैट यू कैन से जो पर्टिकुलर रजिस्टर नंबर है या फिर सॉरी जो पर्टिकुलर मेडिकल प्रैक्टिसेस अगर वो कंटिन्यू अगर वो गलतियों को करते रह रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका जो केस है वो वहाँ पे क्लोज हो सकता है, क्लोज होता है मीन्स वो उसका जो रजिस्टर नंबर है वो क्लोज हो सकता है या फिर कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि व्हाट वी हैव अवर रजिस्टर नंबर। ओके, एंड इफ दिस रजिस्टर नंबर अगर हमसे छीन लिया जाएगा तो डेफिनेटली वी डोंट हैव, बिकॉज कहीं पे भी अगर एज ए बींग मेडिको अगर डॉक्टर इफ वी आर बिकम एज अ डॉक्टर, डेफिनेटली वी डो नॉट हैव आवर रजिस्टर नंबर, सो वी कॉन्ट प्रैक्टिस एनीवेयर, वी विल नॉट हैव एनी जॉब। ओके, सो दैट्स वाई वट वी हैव आवर ओन मेडिकल रजिस्टर नंबर। ओके, तो ओबेइंग द मेडिकल लॉ और यू कैन से डिसओबेइंग जो भी जितने भी लॉज हैं, तो उसका रिजल्ट क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, ये हमें पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द मेडिकल प्रैक्टिसेस। ओके, मेडिकल नेग्लिजेंस में क्या क्या आते हैं ये सभी आपको पता होना चाहिए, एंड दैट्स वाई मेडिकल एथिक्स का जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ ए स्टेट मेडिकल काउंसिल लोकेटेड यूजुअली इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट, इट इज़ कम्पोज ऑफ द मेंबर वगैरह इसमें बनाए जाते हैं, अगेन ये मेंबर वगैरह बनते हैं, और जितने भी मेंबर बनते हैं दे विल डिसाइड कि इसमें से बड़ा मेंबर कौन होगा। फंक्शन ऑफ द स्टेट मेडिकल काउंसिल एज सेम एज आवर यू कैन से इंडियन मेडिकल काउंसिल, तो स्टेट मेडिकल काउंसिल मेंटेन अ रजिस्टर कंटेनिंग द नेम एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ दोज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हु हैव रजिस्टर्ड विद इन द काउंसिल। ओके, इट ऑल्सो कंटेन द डेट ऑन विच द पर्टिकुलर डिग्री वॉज ऑब्टेन एंड द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी विच कन्फर्म्ड इट। The register is maintained by a registrar who is appointed by the council. Okay, उसमें एक registrar होता है जो कि ultimately registration करते हैं हर एक you can say जो भी medical practices है ना जिनका भी register number है ना, definitely वो registrar पूरे हर एक को enlist करके रखता है, और इस पूरी enlisting की जो information है वो Indian Medical Council को हैंड ओवर कंटिन्यू या फिर वो रेगुलरली अपडेट करते रहता है।
the register is maintained by a registrar who is appointed by the council. On receiving further qualification, the medical practices concerned must inform the registrar of the same. The registrar is expected to inform the Indian Medical Council without delay all the additional जो भी कुछ amendment वगैरह जो होता है या फिर जो भी degree वगैरह जो medical practitioner ले रहा है वो सभी में amendment या फिर जो भी कुछ changes वगैरह करना है ये registrar continue upload करते रहता है या फिर continue you can say उसमें amendment continue करते रहता है because जो state medical registry के पास जो detail है हमारी खुद की detail वो Indian Medical Council के पास भी रहती है. Disciplinary control again यहाँ पे द council exercises disciplinary control over the registrar medical practices and has the power to delete the name of those found guilty of professional misconduct. अगर कोई गलती वगैरह होगी तो उसका नाम डिलीट कर सकते हैं रजिस्टर नंबर से. सो द डिलीशन मे बी टेम्परेरी और परमानेंट भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कौन सा मिसकंडक्ट कौन सा इनफेमस वो एक्टिविटीज किया है उन्होंने. इफ एन अपील इज मेड बाय द एग्रीव मेडिकल प्रैक्टिसेस अगेन द पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय द स्टेट मेडिकल काउंसिल एंड इफ द IMC इंडियन मेडिकल काउंसिल मेक अ रिकमेंडेशन इन फेवर ऑफ दैट अपीलेंट जिसने अपील किया है अगर उसके फेवर में आता है वो केस द डेफिनेटली जो स्टेट मेडिकल काउंसिल है उसको उसकी बात यानी कि इंडियन मेडिकल काउंसिल की बात माननी पड़ेगी एंड डेफिनेटली जो पर्सन है जो मेडिकल प्रैक्टिस है उसका जो मेडिकल रजिस्टर नंबर है दैट कैन बी रिस्टोर्ड. ओके तो वार्निंग नोटिस अलग अलग जो भी कुछ ऑफेंसेज है द काउंसिल मेक क्लियर डिस्क्लोजर ऑफ दैट प्रैक्टिस इज कंसिडर कॉन्स्टिट्यूटिंग इन फेमस कंडक्ट यानी कि जितने भी ऑफेंसेज वगैरह हैं तो कौन कौन से ऑफेंसेज हैं उनको हम देखते हैं. डोंट वरी देखिए प्रोसीजर ऑफ डिसिप्लिनरी रिएक्शन वगैरह जो रहता है द स्टेट मेडिकल काउंसिल इनिशिएट द डिसिप्लिनरी एक्शन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन अ कंप्लेंट इज मेड अप बाय अ पर्सन और अ पर्सन अगेंस्ट अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स. ओके तो अलग अलग प्रोसीजर वगैरह डिसिप्लिनरी एक्शन से कौन कौन से किस किस वे से यू कैन से अ काइंड ऑफ एक्शन एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिसेस के पास जाता है. ओके व्हेन अ कोर्ट ऑफ लॉ कन्विक्ट एनी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस और फॉर एन ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग अ मोरल टर्पिट्यूड तो वो कौन कौन से हमारे वार्निंग साइंस हैं वो हमें पता होना चाहिए एटलीस्ट. तो यू कैन सी हियर अडल्टरी और इम्प्रॉपर कंडक्ट और एसोसिएशन विद द पेशेंट पेशेंट के साथ रिलेशन बराबर नहीं है. ओके और यू कैन से अ काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट प्रॉपर एंड दैट्स व्हाई मिस बिहेवियर की वजह से विद द पेशेंट दे माइट बी गिल्टी कन्विक्शन ऑफ एन अ काइंड ऑफ बाय कोर्ट अगर वो अपराधी अगर बाय कोर्ट अगर वो होते सच ऑफेंसेस इंक्लूड थेफ्ट परजरी या फिर बिगैमी और रेप वगैरह से तो डेफिनेटली ये ऑफेंसेस हैं और ये ऑफेंसेस का इम्पैक्ट उनके रजिस्टर नंबर पे हो सकता है. इशूइंग यू कैन से प्रोफेशनल सर्टिफिकेट सच एज बर्थ डेथ और डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडी सर्टिफिकेट मेंटल हेल्थ जो एक्ट है इसके बियॉन्ड अगर कोई सर्टिफिकेट विथ रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ के पेशेंट को देते हैं या फिर फैक्ट्री एक्ट है पब्लिक हेल्थ एक्ट है तो डिसओबेइंग दिस एक्ट्स एंड अल्टीमेटली गिविंग टू द दिस सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली जैसे कि सिकनेस और फिटनेस सर्टिफिकेट हमें रिक्वायर होता है बिफोर एंटरिंग टू द मेडिकल करियर तो मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट और सिकनेस सर्टिफिकेट अगर बंदा सिकनेस कंडीशन में और वी आर गिविंग द फिटनेस सर्टिफिकेट तो डेफिनेटली दैट विल हार्म टू दैट पर्टिकुलर चेयर ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिसेस बिकॉज ही इज इशूइंग अ बैड और यू कैन से रॉन्ग सर्टिफिकेट इशूइंग अ फ्रॉडुलेंट सर्टिफिकेट रिलेटेड टू द एनी ऑफ द अबोव विल अट्रैक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस मस्ट मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट ओके इन विच ऑल डिटेल मस्ट बी इंटर ऑफ अ सर्टिफिकेट इशूज व्हेनेवर अ मेडिकल सर्टिफिकेट इज इशूज द आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द पेशेंट मस्ट बी मेंशन एंड इज सिग्नेचर ऑफ थर्म इंप्रेशन टेकन ऑन द सर्टिफिकेट और रिपोर्ट. ओके तो ये अलग अलग मतलब सर्टिफिकेट बनाने से पहले यू शुड हैव अ काइंड ऑफ दैट पेशेंट का थंब वगैरह ओके यानी कि पेशेंट की आइडेंटिटी यू शुड हैव कि कौन सा पेशेंट आया था किसको हमने वो पर्टिकुलर सर्टिफिकेट इशू किया है अदरवाइज वो पेशेंट दोबारा आ सकता है टू ब्लेम यू कि आपने बनाया था एंड अल्टीमेटली आई वॉज टोटली ऑल राइट बट यू हैव प्रिपेयर्ड अ सिकनेस सर्टिफिकेट तो दैट यू विल हार्म टू यू तो दैट्स वाई पर्सन की आइडेंटिटी यू शुड ऑलवेज रिकॉर्ड इट. ओके देन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द ड्रग एक्ट अगर आप कोई भी एक्ट वगैरह आप फॉलो नहीं करोगे. ओके देन एडवर्टाइजिंग आप एडवर्टाइज कर रहे हो हर एक मतलब कोई भी नॉन इलीगल प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो तो आप ये देख सकते हो वगैरह आप रीड कर सकते हो. कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोफेशनल सिक्रेसी ओके अ फिजिशियन मस्ट नॉट पब्लिश द फोटोग्राफ्स और केस ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ एनी पेशेंट रिफ्यूजल ऑफ रिलीजियस ग्राउंड्स ये देखिए मतलब
इफ द आइडेंटिटी इज नॉट डिस्क्लोज कंसेंट इज नॉट नेसेसरी, यू शुड नो दैट. तो अल्टीमेटली जो भी कुछ अल्ट्रासोनोग्राफी की रिपोर्ट्स हैं या फिर बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स होती हैं, हमें डिस्क्लोज नहीं करना है. वी शुड यू कैन से अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हमें मेंटेन करके रखनी है. ओके, रिफ्यूजल टू ऑन अ रिलीजन ग्राउंड, फेलियर टू ऑब्टेन द कंसेंट, अगर कोई सर्जिकल ऑपरेशन हो रहा है और अल्टीमेटली लीड करेगा स्टरिलाइट से, एंड वी फॉरगेट टू टेक कंसेंट फ्रॉम हस्बैंड एंड वाइफ बोथ, तो डेफिनेटली अगेन इट विल डिस्टर्ब टू योर चेयर. एम्प्लॉइंग टॉर्ट्स और एजेंट टू प्रोक्योर ए पेशेंट. ओके, फॉल्स क्लेम ऑफ ए स्पेशलिस्ट स्टेटस अनलेस द फिजिशियन हैज अंडरगोन द रिक्वेस्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट. तो डेफिनेटली फॉल्स जितने भी एक्ट्स हैं वो आपको नहीं करना है. कौन कौन से राइट आपको अवॉर्डेड हुए हैं, राइट टू ऐड प्रोफेशनल टाइटल टू हिज नेम, राइट टू चूज पेशेंट, राइट टू प्रिस्क्राइब और डिस्पेंस द मेडिसिन, राइट टू परफॉर्म अ सर्जिकल ऑपरेशन, ओके, राइट टू सी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एज अ डॉक्टर्स इफ इट अवेलेबल, राइट टू इशू बर्थ सर्टिफिकेट, सिकनेस सर्टिफिकेट, इनसैनिटी एंड अदर सर्टिफिकेट, ओके, विच विल बी हेल्ड वैलिड इन कोर्ट ऑफ लॉ, राइट टू गिव एविडेंस एज एन एक्सपर्ट विटनेस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. You have a right to possess, dispense or prescribe the drug listed in the Dangerous Drug Act. Okay, so that's why a kind of a right we have, and that's why right के साथ साथ कौन कौन से right हमें follow करना है with respect to the law, that also we should know. Right to claim payment of a fee for professional services rendered. Okay, so that is all we should know or for any medical practices before starting our medical practices. Okay, because whatever we have seen now, कि आपका नॉर्मली आपका गड़बड़ कहाँ पे होता है, आप मेडिकल लॉ वगैरह अगर नहीं पता आपको, और ये हम डिस्कस करेंगे मेडिकल एथिक्स में, तो आपको बेटर नॉलेज हो जाएगा. बट डेफिनेटली कौन सी बोर्ड आपको कंट्रोल कर रही है, कौन सी बोर्ड आपके रेगुलर क्वालिफिकेशन को चेकअप कर रही है, ओके, और इंडियन मेडिकल काउंसिल के पास हर एक का नॉलेज होता है, हर एक के स्टेट मेडिकल काउंसिल का नॉलेज इसे इंडियन मेडिकल काउंसिल के पास रहता है, दैट यू शुड नो. ओके,